गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाज और वेयर। तो वाज और वेयर कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। तो पहले हम जान लेते हैं वाज और वेयर कैसे और कब यूज़ होता है। तो वाज और वेयर जो है ये क्या है, ईच और आर का पास्ट टेंस है। मतलब ईच और आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, तो इज के जगह वॉज पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं और आर के जगह वेयर हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस। द रूम वॉज वॉर्म, दे वेयर हंग्री। द वर्ड इन बोल्ड आर वर्ब्स, ये जो वर्ड है दोनों ये क्या है, वर्ब है ना। ईच और आर जैसे वर्ब था, वॉज और वेयर भी ऐसे वर्ब है। दे आर मेन वर्ब्स एंड सो द पास्ट स्टेट और एक्शन, ये दोनों मेन वर्ब्स है और ये क्या दिखाता है, पास्ट स्टेट या एक्शन को दिखाता है, मतलब जो पहले हो चुका है। जैसे कि द बुक वॉज बेटर देन द फिल्म, दे वेयर केयरफुल विद द ग्लास प्लेट्स, नेहा वॉज टॉलर देन हर ब्रदर। ओके, तो वॉज वेयर वॉज कैसे यूज हुआ आपको पता लग गया। वॉज हमेशा सिंगुलर नाउन में यूज होता है और वेयर हमेशा प्लूरल नाउन में यूज होता है। जैसे कि ईच प्लूरल सॉरी सिंगुलर में यूज होता है और आर प्लूरल में यूज होता है ना। दीज वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज इन अनदर वे, जैसे कि विजय वॉज प्लेइंग कैरम विथ हिज फ्रेंड्स, दे वेयर स्टेइंग हियर लास्ट वीक, आई वॉज टेकिंग वायलिन क्लासेस ड्यूरिंग माई टर्म ब्रेक। ओके, इसी तरह भी यूज होता है। हियर द वर्ब्स वॉज एंड वेयर आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स, यहाँ पे जो वॉज और वेयर है ये कैसे है यूज़ हो रहे हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं। दे आर यूज विद वर्ब्स टू टेल अस दैट एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टेंस, ये मतलब हमें ये वर्ब ये बता रहा है कि पास्ट टेंस मतलब पहले से ही थोड़ा मतलब पहले से कंटिन्यू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी हमें ये बताता है कि कंटिन्यू हो रहा है वो। वी यूज द हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स विद द सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस, आई ही सी इट, हम सिंगुलर नाउन में ही वॉज को यूज़ करते हैं और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। क्या क्या प्रोनाउन यूज़ होता है, आई ही सी इट के बाद वॉज का यूज़ होता है। जैसे कि ही वॉज प्रैक्टिसिंग फुटबॉल, आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़, मोहित वॉज वॉकिंग इन द पार्क, है ना। वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब वेयर इन विथ प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन यू वी दे, हम वेयर का प्लूरल नाउन में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को और प्रोनाउन वी यू और दे के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सॉ यू यस्टरडे, यू वेयर बाइंग वेजिटेबल्स, दे वेयर वॉचिंग सॉरी वाटरिंग द प्लांट्स, वी वेयर टॉकिंग अबाउट द न्यू बुक। ओके, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया वॉज और वेयर कैसे और कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए हम एक्टिविटी करते हैं। नंबर ए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद वॉज और वेयर। पहले वाला दिया गया है, द बुक्स वेयर कैप्ट ऑन द टेबल व्हेन आई केम टू द रूम, ये बुक्स के साथ वेयर यूज हुआ है क्योंकि बुक्स है प्लूरल नाउन, है ना। देयर नो मैंगोज, देयर डस नो मैंगोज इन द बास्केट व्हेन रोहित वेंट टू टेक वन वेयर, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल नाउन है। नंबर थ्री, देयर डस एन एप्पल ट्री इन द ऑर्किड, देयर वॉज एक ट्री एप्पल ट्री है। ओके, वेन फादर वॉज, फादर अकेले हैं इसलिए वॉज का यूज होगा। देन नंबर फोर, सुशीला अकेले हैं इसलिए वॉज यूज, वॉज इल सो सी कुड नॉट गो टू स्कूल, चंदा वॉज सिंगुलर नाउन, वॉज बिजी होल द मॉर्निंग, होल मॉर्निंग। नंबर फाइव, सिक्स, यू आर होता है तो यू वेयर होगा यहाँ पे, यू वेयर काइंड टू द कैट, यू गिव इट सम फूड, दे डेस टायर्ड, दे वेयर, यहाँ पे हम पढ़े हैं दे के बाद वेयर का यूज होता है, टायर्ड आफ्टर ए वेरी एग्जॉस्टिंग ट्रिप, देयर वॉज ए बर्ड, एक बर्ड है इसलिए देयर वॉज ए बर्ड इन द नेक्स्ट लास्ट इवनिंग। नंबर बी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद वॉज एंड वेयर। नंबर वन, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल इन द मॉर्निंग, दिया गया है आई के बाद हमेशा वॉज लगता है।
नंबर टू आई वॉज ट्राइंग टू ओपन द जार. नंबर थ्री कथा वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, प्लेइंग प्लानिंग टू गो टू द कोरिया. नंबर फोर द मैन वेयर प्लूरल नाउन है, एम ई एन, डेकोरेटिंग द स्टेज विद बलून्स. नंबर फाइव अपाला वॉज प्रैक्टिसिंग हर म्यूजिक व्हेन आई केम होम. नंबर सिक्स वी वेयर, वी के बाद हमेशा वेयर लगता है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, क्रॉसिंग द रोड व्हेन ए कार स्टॉप नियर अस. नंबर सेवन दे वेयर सेंडिंग ए गिफ्ट टू देयर सिस्टर्स फॉर हर बर्थडे. ग्रैंडमदर वॉज टेलिंग अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके तो आज के लिए बस इतना ही. हम आज वेज वॉज और वेयर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, आज ये हम पढ़े. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.